हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 24th डे ऑफ वोकैबुलरी सीरीज, जहां पर हम 5 डेज हर रोज करते हैं। एंड आई होप आपने पिछले लेक्चर भी सभी देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो लिंक्स भी अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में। सो आज के वर्ड स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज परफंक्ट्री। परफंक्ट्री को आपने याद रखना है पर से। पर का मतलब होता है परफॉर्म, ठीक है। व्हेन यू परफॉर्म समथिंग, तो मतलब कोई ऐसी चीज है जो आप डेली करते हो, ठीक है। मतलब आपका एक तरह से वो रूटीन है, मतलब रूटीन का एक तरह से पार्ट हो गया है, ठीक है। दैट इज परफंक्ट्री। एज यू कैन सी इन द इमेज, दैट पर्सन इज पिकिंग अप दिस वॉच, क्योंकि उसको क्या है, अपने टाइम की वैल्यू है। इस पर्सन को अपना टाइम जो है वो ग्रेस्प करना है, अपने टाइम से जितना ये निकाल सकता है उतना टाइम इसने अच्छी चीज़ों पर निकालना है। दैट इज परफंक्ट्री, जो आपके रूटीन या ड्यूटी का पार्ट है। देन सेकेंड इज डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी सिंसेयर नहीं है। तो उस काइंड के बिहेवियर को क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिसइंजीनियस, ठीक है। एज यू कैन सी इन द इमेज एज वेल, ये वाला सेंटेंस है, ये देखो, हाथ भी खड़ा कर रहा है, पीछे क्रॉस भी कर लिए हैं फिंगर्स, झूठ भी बोलना है क्रॉस भी कर लिए हैं फिंगर्स, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज डिसइंजीनियस। उसके बाद थर्ड वर्ड जो है, दैट इज इन्योर्ड। इन्योर्ड मतलब कोई जो है वो टॉलरेंट ही हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने ना अल्कोहल पी रखी है, ये लेडीज इसको डांट रही हैं, ठीक है। तो ये पर्सन टॉलरेंट ही हो गया इस चीज़ को लेके, इतनी पीता है कि अब इन्योर्ड ही हो गया, मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इसको टॉलरेंस आ गया उस चीज़ को लेके, ठीक है। दैट इज इन्योर्ड, व्हेन यू बिकम टॉलरेंट टुवर्ड समथिंग। फिर अगला वर्ड जो आता है बटरेस। बटरेस मतलब आप परांठा खाते हो तो उस पर बटर ऐड कर देते हो, तो क्यों ऐड करते हो, स्टेबिलिटी के लिए, ताकि टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बटरेस मीन्स टू ऐड स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है, वेदर इन द बिल्डिंग, वेदर इन योर स्टडी, वेदर इन योर रूटीन। सो व्हेन यू बटरेस समथिंग, दैट इज यू आर एडिंग स्टेबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली वन थिंग, कि बिल्डिंग को ही बोलना है, ह्यूमन बींग को ही बोलना है, ठीक है। इट इज वेरी ब्रॉड टर्म, दैट इज बटरेस। देन फिफ्थ वर्ड इज, दैट इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ही लो कंडीशन में रह रहा है, जैसे यहाँ पे स्लम एरिया दिख रहा है आपको पिक्चर में, ठीक है। तो बहुत ही लो कंडीशंस में ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज एब्जेक्ट। तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं सारे के सारे वर्ड्स का। परफंक्ट्री मतलब कोई चीज़ आप डेली कर रहे हो और वो आपके रूटीन का पार्ट हो गया है एक तरह से, ठीक है। फिर आता है डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस का मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जो कि बहुत ही इनसिंसियर है, बहुत ही डिसऑनेस्ट है, उस काइंड के बिहेवियर को क्या बोल सकते हैं, डिसइंजीनियस। इन्योर्ड, इन्योर्ड मतलब जब आप टॉलरेंट हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, तो दैट इज़ यू आर बिकमिंग इन्योर्ड। फिर आते हैं बटरेस। बटरेस मतलब स्टेबिलिटी ऐड करना, चाहे बिल्डिंग है चाहे कोई भी चीज़ है जिसमें आप स्टेबिलिटी ऐड कर रहे हो। फिर आता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब बहुत ही लो लाइंग एरियाज या बहुत ही संकन एरिया में रहना, जहाँ पे सफाई बिल्कुल भी है, नो सैनिटेशन, तो उस एरिया में रहने को क्या बोलते हैं, दैट इज एब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 वर्ड्स। एंड ट्राई करना कि आज जो भी आप कॉन्वर्सेशन करो, इन 5 के 5 वर्ड्स को एक बार यूज करो। जैसे इन्योर्ड है, ठीक है, बहुत कॉमन है, टॉलरेंट से रिलेटेड टॉपिक कोई ना कोई चल ही जाता है। परफंक्ट्री ये तो आप हर लाइन में बोल सकते हो ना, मतलब याद ही करना है आपको, ऐसे नहीं कि हर रोज ही हर लाइन में बोलना है, नो That's not a thing, but yes, you can use this word as well. Disingenuous, अगर मान लो ये होना नहीं चाहिए किसी के साथ बट हो जाता है, तो you can use this word as well. And मान लो आपकी पढ़ाई ना बहुत ही हिलडुल गई है इधर उधर, आपको पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ खत्म करूँ, तो बटरेस मतलब when you are adding stability. फिर आता है abject. Abject मतलब when you are existing in a low condition. Abject, मान लो आपका कोई टॉपिक था पॉवर्टी को लेके, आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, तो वहाँ पर आ जाता है कि कोई लो लाइंग कंडीशन में एरिया रहते हैं, तो उसके बारे में आप बात कर रहे हो, स्लम एरिया पीपल के बारे में बात कर रहे हो, तो यू कैन यूज एब्जेक्ट देयर एज वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 वर्ड्स ऑफ द डे। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो लेक्चर को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।